हेलो फ्रेंड्स, तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ आप सबके लिए। आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि भाई टोबी मैग्वायर की स्पाइडरमैन 4 फाइनली कंफर्म, लगभग कंफर्म हो चुकी है। अब देखो, अगर आप लोग रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप लोग देख रहे होगे कि पिछले 2-3 महीने में मैंने 2-3 वीडियोस बना दिए हैं स्पाइडरमैन 4 के ऊपर, जिसपे मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई टोबी मैग्वायर की स्पाइडरमैन 4 के ऊपर काम हो रहा है, अर्ली ड्राफ्ट उसका रेडी किया जा रहा है। और अब फाइनली कुछ सोर्सेस से मेरे को पता चला है कि भाई इसका अर्ली ड्राफ्ट जो है, मतलब कि टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन 4 की जो कहानी है, वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। अब हाँ, वैसे तो स्पाइडरमैन 4 का जो अर्ली ड्राफ्ट था वो काफी पहले कंप्लीट हो चुका था, लेकिन भाई बीच में जो राइटर स्ट्राइक आई ना, तो उस पे आगे काम ही नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि राइटर स्ट्राइक से कुछ खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो लिख रहे हैं सैम रेमी, और भाई वो अपने घर पे बैठकर इसकी स्टोरी पे काम कर सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। बट हाँ, जब तक ये राइटर स्ट्राइक और एक्टर स्ट्राइक चलेगी, तब तक इसका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो कंप्लीट होकर नहीं आएगा, तो उसके लिए तो वेट हम लोगों को करना ही। बाकी दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि स्पाइडरमैन 4 की कहानी हो सकता है कि डायरेक्टली कनेक्ट करे एवेंजर्स गैंग डायनेस्टी से, क्योंकि कुछ सोर्सेस ने ये भी कंफर्म किया है कि अभी हाल ही में केविन फाइगी, सैम रेमी और टोबी मैग्वायर के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात हुई है। तो भाई उनकी बात क्यों हुई, रीजन क्या था, क्योंकि देखो अगर स्पाइडरमैन 4 बन भी रही है तो उसको तो सोनी वाले बनाएंगे ना, तो केविन फाइगी का यहां पे क्या काम। लेकिन अगर केविन फाइगी इस चीज के अंदर कूदा है तो भाई कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना। हो सकता है कि टाइमलाइंस के बर्बाद होने की वजह से स्पाइडरमैन 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाए, इन ब्रांच टाइमलाइंस के वजह से टोबी मैग्वायर का जो स्पाइडरमैन है वो एमसीयू के यूनिवर्स में आ जाए। नो वे होम में तो आ ही चुका था, तो इस बार फिर से आ जाए, और फिर यहां पर आकर वो देखेगा कि किस तरह से समय का सत्यानाश हो चुका है, कैंग राज कर रहा है, एवेंजर्स परेशान है, तो अब वो एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करेगा और उनके साथ मिलकर कैंग को हराने की कोशिश करेगा। लेकिन खैर, इसकी कहानी क्या होगी इसका तो आइडिया मेरे को अभी बिल्कुल भी नहीं है, ना मुझे कोई लीक इसके बारे में पता चली है। लेकिन भाई मैंने एक फैन फिक्शन जरूर बनाकर रखी है, खुद से मैंने कहानी लिखी थी स्पाइडरमैन 4 की, तो अगर चाहो तो मेरे फैन फिक्शंस को जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो स्पाइडरमैन 4 के फैन फिक्शंस को देख लो। बाकी उसके अलावा अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 की भी फैन फिक्शन वहां पे आपको मिल जाएगी, तो इसलिए अगर आप चाहो तो उन स्टोरीज को एंजॉय कर सकते हो। काफी अच्छी स्टोरीज मैंने बनाकर रखी है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की आप सबको, तो आई होप कि आप लोगों को मजा आएगा। सो गाइज, लेट्स गेट रेडी फॉर स्पाइडरमैन 4 एंड वेट फॉर इट। तो यार बस आज के लिए इतना ही। आपको ये अपडेट कैसी लगी, यार अच्छी लगी होगी, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर देते, कर दो भाई प्लीज। तो चलो, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।